साध्य साधन ना वेद बतावी, ज्ञाता ने ज्ञेय न परमाण दाखवी। सर्वांगी आनंद कंद ये संग परमो धर्मम् वीरये संगमेश्वर ने और मेरी जागृति बढ़ती है। अगर आप लोगों के साथ जाती तो और मेरा दादा का ज्ञान और समझ में आता। वो तो बहुत बहुत क्वेश्चन करके जागृति आपने ले ली है। अभी ये सहयोग आपको जो आपने जो समझा है वो जागृति यहाँ उपयोग करना है। जागृति तो सभी के पास ली है, अनंत अवतार से ली है, उपयोग नहीं होता है। उपयोग नहीं होता तो ये आपको यात्रा का सहयोग नहीं आता है। हाँ, क्यों नहीं आता है? मेरे जो भी अभी मतलब काम है वो बाकी है या व्यवस्थित शक्ति मुझे नहीं जाना चाहती। ऐसा कोई ऐसा कर्म है जो ये इसमें अंतराय पड़ता है जात्रा का? हाँ। ऐसा कर्म है उस हिसाब से साथ में आने का नहीं होता है, अंतराय कर्म है। हाँ। तो अपने तो उसका प्रतिक्रमण करना है, ये जागृति हो गई। साथ में तो नहीं रहते, अब साथ में रहना है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कोई गलती है, उस हिसाब से रहा। हाँ, में उस हिसाब से रहा तो इससे मालूम पड़ेगा कि ये अंतराय है। हाँ, अंतराय है तो हाँ, क्या गलती होगी, क्या गलती होगी? मैंने किसी को जाने नहीं दिया होगा या कोई ऐसा अंतराय डाला होगा किसी के साथ। लेकिन नहीं, आपने रिलेटिव को ज्यादा महत्व दिया है। बात समझ में आया? रिलेटिव को ज्यादा महत्व दिया। बात समझ में आया? क्या नाम है? मोना। मोना जी को महत्व ज्यादा दिया है तो इस हिसाब से वो संयोग मिलता है। बात समझ में आने? और मोना जी का जो है उसका पक्ष नहीं लेंगे तो ये अंतराय टूटेगा। बात समझ गया कि नहीं है? पक्ष में कहाँ कहाँ ले रही हूँ? अभी आपने बोला ना मेरा ये काम है, ये काम है, ये काम है। हाँ। तो आप करते हैं कि कोई करवाता है? करवाता है। तो ऐसा ऐसा उदय में आया? हाँ, आया। सब छोड़ के आ जाने का, कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन वो नहीं आता है। हाँ। तो मोना जी के पक्ष में है, ज्यादा महत्व दिया है तो ये सत्संग का अंतर पड़ गया। समझ में आया? नहीं आया, समझ आ गया। ये चीज समझ में आ गई कि यही हो रहा था। 24 तीर्थंकर आपको मिले कि नहीं मिले? मिले बराबर है। हाँ। वो सभी मोक्ष में चले गए। हेलो ठीक, हेलो हेलो। उसमें जो भी उसके पास उसके प्रति अहोभाव हुआ वो भी चले गए। हाँ। फिर भी आप यहाँ भटकते हैं। महत्व किसको दिया है? मोना जी को दिया है, आत्मा को नहीं दिया है। बात समझ में आने? उसको एक दृष्टांत से समझना है। हाँ। कि आपकी एक समझ है ना कि मेरे पास पैसे होगा तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है तो सब कुछ हो जाएगा। तो किसके किसको ज्यादा महत्व दिया है? पैसे को। मोना जी को दिया है तो हाँ। ये सत्संग के बारे में, यात्रा के बारे में अंतर पड़ेगा। लेकिन पैसे है तो सब होगा कि लिमिटेड कुछ होगा? होगा। हेलो। पैसा होगा तो लिमिटेड होगा कि असीम होगा? लिमिटेड होगा। तो आपने लिमिटेड को महत्व दिया है।
તમારો એક એક શ્વાસ છે કોઓર્ડિનેટર પોતાના ડબ્બાની હાજરી લઈ લે એક એક શ્વાસ છે એક એક શ્વાસ છે અને દરેકને પોતાની સીટ ઉપર જ નાસ્તો મળશે બધી જ વસ્તુ હવે આપણે બધા બેસી જાઓ તો નાસ્તાની શરૂઆત કરીએ મોનાબેનને મહત્વ આપ્યું છે આત્મને જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા મોનાબેન છે તો સારા આધારે છે ભગવાન કે પાસ જાને મેં સત્સંગ મેં અંતરાય પડેગા ઓર આત્મા તો સબ હૈ મોનાજી ભી હૈ ઓર સબ વૈભવ ભી હૈ નહીં મોનાજી હૈ તો એ સબ હૈ તો ફિર દિક્કત આયેગા બસ સમજ મે આયે કે નહીં આયે સમજ બેન હિન્દી સમજે હા હિન્દી સમજે વો ગલતી દેખી જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા દેખે નહીં નિશ્ચય હૈ ખાલી તમારે આ હું મોનાજી છું એટલે અંતરાય કરવો પડ્યો સાચું ને અને તમારી બોડી લેંગ્વેજ જો પણ એમને એ વખતે રિલેટિવ ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું હોય તો કદાચ મનમાં એવો ખેદ થયો હોય કે મારે આ ફાઇલ લાવી મારે એનો સંભાવે નિકાલ કરવો જ પણ મારાથી જવાયું હોત તો સારું થાત તો એ રીતનું ઊભું થયું હોત કે ના એક્ચ્યુઅલી જે ખેદ થયો એટલે ફેરફાર થઈ ગયો એટલે આના પછી તમારો અંતરાય કર્મથી મુક્ત થઈ જશો તમે શું છે કે હવે આ નથી જવું તો મારે જવાય એના માટે નો કરો છો એ બી અંતરાય કર્મ છે જાત્રામાં જો એ બી અંતરાય કર્મ છે જાત્રામાં નથી જવા તો એ બી અંતરાય કર્મ છે વાત સમજ્યા ને તમે જાત્રા છો જાત્રા શેના માટે જાઓ છો આપણે આ રાગ દ્વેષ નું કઈ બી બાંધેલું એને છોડવા માટે મોક્ષે જવા માટે કરો છો વાત સમજ્યા ને તો જાત્રા જાત્રા છે મોક્ષે જવા માટે છે ના તો રિલેટિવ માટે થયું તમે શુદ્ધાત્મા કે જ્યોતિબેન તમને કે ના સમજાય તો એને કશું કરવાનું રહ્યું ખરું ચાર ધામ ની યાત્રા સમય શિખર ની યાત્રા પશુપતિનાથ ની કરવાનું રહ્યું જોવા જાણવાનું રહ્યું હવે જે જેનો સ્વભાવ જોવા જાણવાનો હતો એને તમે જ્યોતિબેન માં એક્ટિવ કરી દીધો ગુજરાતી સમજમાં આવી જ્ઞાન કેવાય અને ઘર એવું તો અજ્ઞાન ના બે અજ્ઞાન જ છે વાત સમજે કે ના સમજે બે અજ્ઞાન જ છે બે અજ્ઞાન છે કેવી રીતે સમજવાનું હવે એમને નથી આવતું એટલે હવે નક્કી કરશે મારે જાત્રામાં જવાનું છે હવે જાત્રામાં આવશે ને તકલીફ પડશે કે આ જાત્રામાં છે જ નહીં આ તો બધા પંડિતો આમ પૈસા પડાવે છે આમ પડાવે છે પેલું કરે છે પેલું કરે છે જવું ને ના જવું ન જવું ના આપણે તો જોનારા જાણનારા છે વાત સમજાય કે ના સમજાય પણ તમને અંતર કેમ પડ્યો તો કે મોનાબેન ને મહત્વ આપ્યું છે માટે હવે એ મોનાબેન નું અવમૂલ્યન નથી કરવાનું અથવા તો કરવાનું છે તો બાય રિલેટિવ પરથી મના બેન છું બાય રિયલ પરથી શુદ્ધા મને મના બેન નું અમૂલ્યન થઈ ગયું રિલેટિવ પરથી જાત્રા એ રિયલ નથી રિલેટિવ જ છે અને તમારો વ્યવહાર એ રિલેટિવ જ છે વાત ને કે ના તમને બે રિલેટિવ જ છે તમારો એક સત્સંગ હતો ને કે રિલેટિવ ને છૂટા પાડતા જાઓ હું જ્યોતિ છું ને હું કરું છું એ બધું જ રિલેટિવ જ્યાં કરવા પણ આવે એ બધું જ રિલેટિવ એટલે 360 ડિગ્રી થી સમજો પણ હું દાખલા થી સમજું રિલેટિવ એટલે ખરેખર નહીં રિલેટિવ એટલે વિનાશી
રિલેટિવ એટલે સહયોગ, ના સહયોગ વિયોગી જ હોય. હવે એને આપણે બીજી રીતે સમજીએ, રિલેટિવ ને બીજી રીતે સમજીએ. જ્યોતિબેન એક જ છે ને, તેમ છતાં તમે કોઈના દીકરી છો ને, શાના આધારે દીકરી છો? મૂળ ધર્મ ના આધારે, મારા મા બાપે જન્મ આપ્યો છે એટલે દીકરી છે. હવે આ જ રિલેટિવ છે, વાંચું ને તો સંજીવભાઈ હસબન્ડ પણ છે ને, તમે પત્ની પણ છો, બાળક થાય તો મધર પણ છો. તો આ આ એક જ્યોતિબેન ના કેટલા બધા પર્યાય છે, આ સમજાયું? તો હવે શું થશે, એક છું તેમ છતાં અનંત છું, અને અનંત છું તેમ છતાં એક છું. તો આ રિલેટિવ તમે 360 ડિગ્રી સમજી લીધું, અને રિયલ પણ તમે 360 ડિગ્રી સમજી લીધું. આવા ગુણ ધર્મ થી હું અનંત છું, અને આવા ગુણ ધર્મ થી હું એક જ છું. ગુણધર્મ કરી, ચોર એ પણ રિલેટિવ છે ને, તો સાહુકાર એ રિલેટિવ જ છે ને, સારા માણસો એ રિલેટિવ છે, ખોટા માણસો એ રિલેટિવ છે, સ્ત્રી એ રિલેટિવ છે, પુરુષ એ રિલેટિવ છે. જેમને ના પડ્યો, જ્યોતિબેન ને મહત્વ આપ્યું છે. હું જ્યોતિબેન છું, કેન્દ્ર બની ગયું. હજુ તળાવમાં કાંકરી એટલે સર્કલ બની જાય, વર્તુળ બની જાય. તમારે વાંચું છે કે ના? જ્યોતિબેન વાંચું છે કે ના? હા, સમજાય કે ના સમજાય? પછી સવારથી એવી કોઈ ગોઠવણી કરવાની નથી, કરવામાં નથી. ગોઠવણી તો કરવી પડે, કારણ કે કૃપાથી આપેલું છે. પણ જે આપણે વાતો વાતમાં ગોઠવણી શબ્દ બોલીએ છીએ, એવી રીતે નથી બોલવાનું. કેવી રીતે? દાખલા તરીકે, દા કે તમે પહેલા બીજા ધોરણમાં ભણતા કે પાંચમા ધોરણમાં ભણતા હોય, તો ઘડિયા તમને મોડે કરવાનું બધું આપે, એ ગોઠવણી કરવાની. પછી આઠમા ધોરણ પછી તમારે એમ કે ને કે 11 ચોકું તમારે આમ ઘણું પડે કે 1 2 3 4 કે 44 આવી જાય. પછી ગોઠવણી ગોઠવણી ના હોય, બેઝિક હોય એની અંદર. આ 11 × 4 44 થઈ જતું, બેઝિક છે. બાય રિલેટિવ પહોંચી હું જ્યોતિબેન છું, બાય રિલેટિવ પહોંચી શુદ્ધ આત્મા છું, જગત નિયંત્રણ વ્યવસ્થિત શક્તિ બેઝિક છે. અને એ એ પાયા ઉપર આખું તમારું આમ ઇમારત બને છે, એટલે સિદ્ધ ગતિ બને છે. જેમ મોટું મકાન બનાવો તો શેનાથી બને? પાયો. બાય રિલેટિવ પણથી જ્યોતિબેન છું, બાય રિલેટિવ પણથી શુદ્ધ આત્મા છું, વાંચું લાગે. જગત નિયંત્રણ વ્યવસ્થિત શક્તિ, આ મજબૂત પાયો છે. એટલે સિદ્ધ ક્ષેત્ર, સિદ્ધ ક્ષેત્ર તો પછી અનુભવ થાય, પણ તમારી અંદર સિદ્ધ ક્ષેત્ર બની જાય. આ જેવું તમારી અંદર સિદ્ધ ક્ષેત્ર બન્યું, પેલું ક્ષેત્ર તમને ખેંચી જાય. સત્સંગમાં વાત કરે છે, અમે જે રિલેટિવ શબ્દ બોલીએ છીએ એ આખો એક પ્રયોગ કર્યા પછી રિલેટિવ શબ્દ આવે છે. પણ તમે આ અમારી વાત નો આ રિલેટિવ છે, ડોક્ટર ક્વેશ્ચન થયો, રિલેટિવ એટલે શું? તમે શું આખો પ્રયોગ કરીને એ શબ્દ બોલો? કે ઓરિજિનલ પ્રયોગ ના હોય, ઓરિજિનલ પ્રયોગ ના હોય. પણ જ્યાં કોઈ બી આપણને લાગે કે આ જ્યોતિબેન અદભુત પુરુષ છે, તો ખાલી એનો વિનય ઉભો થઈ ગયો એટલે પછી એ રીતે આવે છે. અને દાખલાથી સમજાવ, વિનયને બહુ શું દાખલો? તમારું પાણી પીવું છે, ગ્લાસ નથી, તો નળ ઉપર હાથ રાખશો તો પાણી મળશે ખરું? અને નીચે રાખશો તો બસ આટલું જ કરવાનું છે, બધું ગોઠવાઈ જશે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તમને ચોર કેમ ભેગો થાય?
ભેગું કર્યા તને આ ભેગું કોણ કરી આપ્યું આટલી જ આ બિલીફ જ છે બિલીફ આપણી એ છે કે મારા પાછલા કર્મ ને આધીન મને મળ્યો બિલીફ જ છે આ એક બિલીફ હું જ્યોતિબેન છું એટલે એ રીતની ગોઠવણી થઈ ગઈ લાખી ચાર ગતિ ને 84 લાખ એની અંદર તમારી બની ગઈ બાય રિલેટિવ માંથી જ્યોતિબેન છું બાય રિલેટિવ માંથી શુદ્ધાત્મા છું જગત ની અંદર સિદ્ધ ગતિ નું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ થઈ ગયું આયો ને ખાઈ ગયો એ ખાત મુહૂર્ત કે મોનાજી બા સમજ માં આયા આપકા નામ ક્યા હૈ દક્ષ કુછ બાતચીત કરના હૈ પૂછના કે નહીં પૂછના હૈ કોઈ ડાઉટ નહીં હૈ પહેલે થા પર પૂછ લિયા થા પૂછ લિયા થા ક્યા ડાઉટ થા કે જબ મેં પહેલે બોર્ડ પે લખતા થા તો જબ મેં કોપી સોલ્વ કરતા થા તો વો ક્વેશ્ચન સહી રહેતા થા પર જબ મેં ક્લાસ મે બોર્ડ પે સોલ્વ કરતા થા પર જબ વો ક્વેશ્ચન ગલત હો જાતા થા मैं बोलती हूँ जब वो ब्लैक बोर्ड पे करता था सवाल तो गलत हो जाता है और कॉपी में करता है तो सही रहता है फिर क्या जवाब मिला आपको मुझे ये बताया कि मुझे ये डर लगता है कि पूरी क्लास के सामने मैं लिख रहा हूँ और मुझे ये डर नहीं लगना चाहिए कि पूरी क्लास के सामने लिख रहा हूँ और मुझे ब्लैक बोर्ड को ये सोचना है कि ब्लैक बोर्ड कॉपी है तो उसको ऐसे है ना आपको जीवन में आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है आगे बढ़ना है ऊपर जाना है कि नीचे जाना है ऊपर जाना है कैसे जाएंगे पढ़ाई करके क्या पढ़ाई करेंगे जो मैं मैम पढ़ाती हूँ वो पढ़ाई करके समझ रहे ना लेकिन वो पढ़ाई आपकी सही कब होगी वो पढ़ाई आपकी सही कब होगी आंसर नहीं आता है तो के आप ये पढ़ाई सही कब होगी जब आप अपने आप को जानेंगे तब सही होगी हम पूछे कि आप कौन है तो क्या बोलेंगे तो वो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है सही है समझ में ना तो ये सही है उस हिसाब से आपको एजुकेशन मिलेगा अब मैं और एक प्रश्न करता हूँ आप दक्ष है क्या आपका नाम दक्ष है मेरा नाम दक्ष आपने क्या बोला मैं दक्ष हूँ यानी मैं दक्ष हूँ और मेरा नाम दक्ष है और मैं ही दक्ष हूँ ये एजुकेशन हुआ संस्कार हुआ अब मेरा नाम दक्ष है इसके जगह इस क्या बोला के मैं ही दक्ष हूँ तो ये सही एजुकेशन नहीं है बात समझ गए कि नहीं हाँ, आपका नाम है और आप अलग है ये आपका अंदर ये समझेगा तो आपको अच्छा टीचर मिलेगा अच्छी स्कूल मिलेगी अच्छे माँ बाप मिलेगी अच्छे समाज मिलेगा यानी आपको अपने आप को जानना है तो आपने अपने आप जाना आपने अपने आप को जाना नहीं जाना है बस आप अपने आप को जान लो सही एजुकेशन हो गया उससे दूसरा सहयोग मिल जाएगा जैसे आपके पास पैसा है तो खाना मिलेगा ने कार मिलेगी ने बंगला मिलेगा ने इधर से उधर जाने का होगा ने एक ही करेंसी है यानी आप अपने आप को पहचान लो वो सही मायने में एजुकेशन है उससे सब सहयोग मिल जाएगा अच्छी स्कूल मिल जाएगी अच्छे टीचर मिल जाएगा अच्छे माँ बाप मिल जाएगा अच्छा कुल गोत्र मिल जाएगा दक्ष बात समझ में आया कि नहीं अभी आप अपने आप को जानते नहीं है और पर को आपका स्वरूप मानते हैं तो आपको कोई प्रश्न नहीं है कि प्रश्न खड़ा ही होगा खड़ा ही होगा जब आप अपने आप को जानेंगे उसके बाद पर को जानेंगे तो फिर प्रश्न खड़ा नहीं होगा ये ना प्रश्न है ही बात समझ में आई कि नहीं साइंस है
साइंस में कुछ करना पड़ता कि हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है। H2O में वातावरण इकट्ठा करता है ना, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाँ। क्या बनता है? ऑक्सीजन। इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन। पानी बनता है, समझ मैंने। तो जैसे ही आपने मेरा नाम दक्ष है और मैं उससे अलग हूँ और मैं कौन वो जान लिया, तो सही एजुकेशन मिल जाए, तो ये सब संयोग मिल जाएगा आपको। ये नहीं, ये भी अच्छी होगी, ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा हो जाएगा, समझ लो अच्छा हो जाएगा। तो अभी आपको कोई भी दिक्कत ना आए तो क्या करेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्या करेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, पूरी लाइफ में दिक्कत नहीं आवे, क्या करेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। आंसर नहीं आता है? नहीं। आप अपने आप को जान लेंगे तो फिर दक्ष को जान लेंगे। हाँ। मैंने और अपने आप को जान लिया, दक्ष को जान लिया, पूरी लाइफ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ। अभी आप अपने आप को जानते नहीं है और पर को आप अपने आप मानते हैं, इससे प्रॉब्लम्स आएगा। हाँ। आपको आइसक्रीम खाना है तो है ना, आपके पास आइसक्रीम तो है ना। हाँ। लेकिन बुखार आएगा तो खाएंगे? नहीं। देखो है, लेकिन आपको भुगत नहीं पाते हैं। हाँ। क्यों नहीं भुगत पाते है? आप अपने आप को जानते नहीं है और पर को आपका स्वरूप माना है, तो आपके पास ये सब सुख सुविधाएं भी होगी लेकिन भुगत नहीं पाएंगे। हाँ। और जैसे ही आपने अपने आप को जान लिया और पर को जान लिया, अच्छा मैंने, कोई रोग नहीं होगा, भाव रोग भी नहीं होगा। दक्ष पास समझ गया कि नहीं है? तो अभी अभी, अभी आपका आपको डॉक्टर बनना है कि अपने आप को जानना है? अपने आप को जानना है। अपने आप को अपने आप को जान लिया, हाँ समझ मैंने, कि डॉक्टर से भी बड़ी डिग्री है, बड़े बड़े उद्योगपति से भी बड़ी डिग्री है, चक्रवर्ती राजाकर से भी बड़ी डिग्री है, अपने आप को जानना है। और ये जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अपने आप को जान लिया तो क्या होगा? सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अभी आपको क्या पढ़ना है? डॉक्टर पढ़ना है कि अभी अपने आप को जानना है? अपने आप को जानना है। अपने आप को जान लो, अपना काम हो गया। वार्तालाप थयो तो एने शू कहेवाय? अज्ञान कहेवाय कि ज्ञान कहेवाय? अज्ञान अपाई गयु कि ना अपाई गयु? समझे, पोते ज कहे कि अपने आप को जानना है। ભૂલો દેખાશે, આના જવાબ ઉપરથી તમારી ભૂલો દેખાશે, પણ આપણે એ ભૂલ એ દોર ને બીજી રીતે ભૂલ કોઈ બતાવે છે કે જો આ ક્રોધ તમને હેરાન કરે છે, આ માન હેરાન કરે, લોભ હેરાન કરે, એટલે એવી રીતે જો ના આટલા હું આ બાળક હું આવું હોય તો શું જવાબ આપું છું? એ અતિક્રમણ દેખાયું, વાતમ ને કેના સમજે? દેખાય ભૂલ, દેખાય એટલે જે ભૂલ દેખાય એટલે ભૂલ ભંગાઈ ગઈ, ભાંગવાન નથી, જે બોલ્યા કે રિલેટિવ પણ હું જ્યોતિ બેન છું એટલે ભગવાન થઈ ગયા, દક્ષ ગુજરાતી સમજ માં આતા હે? ઓ તો મેને ગલતી કર દીયા, તો ગુસ્સે નહીં હોય? ગુસ્સે નહીં હો? ક્યો નહીં હોના ગુસ્સા?
कि मुझको वो चीज नहीं आती है। लेकिन आपको समझना तो है ना, मम्मी इधर लाई है तो समझना तो है ना, उस हिसाब से लाई है ना। तो मैं गुजराती में बोल, भाई ठहरो भाई, आप गुजराती बोलते मेरे को समझ में नहीं आता, आप हिंदी बोलो तो मैं समझ में आया। तो आपने ऐसा बोला, दिक्कत नहीं आई? मुझे थोड़ी सी समझ में आती है, थोड़ी सी समझ में आती है। लेकिन कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये मेरे को गुजराती नहीं आता है, मेरे को हिंदी आता है, अच्छा बोलने का, तो फिर वो हिंदी में बताएगा। नहीं तो मैं उसके साथ बात करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, लंबी चलेगी गुजराती बात तो आपको इंटरेस्ट होगा, हट जाएगी। और मैं हिंदी में बात करूं तो आपको समझ में आएगा और उसको भी समझ में आएगा। देखो ये गलती होगी कि नहीं होगी, रुको भाई रुको, आप बोलते मेरे को समझ में नहीं आता है। तो अभी आपको आप डॉक्टर बनेंगे तो वो बड़ी डिग्री है कि आपने आपको जाने, वो बड़ी डिग्री है। फिर भी उदय कर्मा में डॉक्टर ही आएगी, समझ गए ना। लेकिन आपको अपने आप को जानते हैं वो बड़ी से बड़ी डिग्री है, और फिर पर को जानते हैं वो बड़ी से बड़ी डिग्री है, उसे सब कुछ मिल जाएगा। उसको एक दृष्टांत से समझाओ, जैसे तालाब होता है, ऊपर से कंकड़ डालो तो क्या बनता है, पानी उछलता है। देखिए वो कंकड़ डालो ना तो केंद्र बनता है, सेंटर बनता है, खाली सेंटर बनता है कि सर्कल भी बनता है, सर्कल बनता है। तो खाली आपने अपने आप को जान लिया, अध्यक्ष को जान लिया, वो सेंटर बन गया, आपका जगत ये हो गया, आपका एजुकेशन पूरा हो गया। फिर भी मम्मी बोले स्कूल जाने का, हाथ में मैंने सब करने का, क्यों कि आपका आपका आप जब गर्भ में होते हैं मैंने, तो उसमें बहुत से आवरण आते हैं, आवरण यानी जो सूर्य नारायण, तो बीच में बादल आता है कि नहीं आता है, तो सूर्य नहीं दिखाई देता है। उस हिसाब से स्कूल में भी जाना है, कॉलेज में भी जाना है, समझ में नहीं। ये अपने आप को जानना वो सबसे बड़ी डिग्री है, और दक्ष को जानना वो सबसे बड़ी डिग्री है, वो सेंटर में होना चाहिए। उसको एक दृष्टांत से समझा, मम्मी ने ऊपर से कुछ, तो घर में क्या बोलते, मालिया बोलते क्या बोलते, ये तो अलमारी बोलते, मालिया बोलते ऊपर रखने से। अब मम्मी बोले कि ऊपर से चीनी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर हाइट 12 फुट है, कैसे निकालेंगे चीनी, कोई चीज पे खड़े हो, हाँ अब कोई भी चीज यानी सीढ़ी, तो सीढ़ी के ऊपर आप खड़े कर पहुंच पाएंगे। अब सीढ़ी मिल गई तो दोनों पैर ऊपर करेंगे, दोनों पैर ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा कि गिर जाएंगे, गिर जाऊंगा। तो कितना पैर ऊपर करेंगे, एक पैर पहले स्थिर है, अभी आपको मूवमेंट करना है, तो स्थिरता के साथ गति के साथ मोबिलिटी, और मोबिलिटी के साथ स्थिति, समझ गए। आप अपने आप को जान लेंगे तो ये स्थिरता के साथ मोबिलिटी, और मोबिलिटी के साथ स्थिरता होगी, सब डिग्री प्राप्त कर लिया आपने। दक्ष बात समझ गया, क्या बोलते मोहन, पक्का है? कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, फिफ्थ? आज जवाब आप, मेरी उम्र में ऐसा था ही नहीं।
मैं बात जो तो डर नहीं लगता है नहीं। कि मैं बात करता हूँ तो क्या बोलते हैं तो भारी लगता है कि सरल लगता है? सरल लगता है। ये समझ समझ में आता है? हाँ। और आप बोलते कि आपका सत्संग तो बहुत भारी है। देखो ज्ञान नहीं लिया है तो आप भारी है उस हिसाब से मेरे पर आरोप करते हैं कि मैं भारी उस हिसाब से। ये गलती दिखी होगा प्रतिक्रमण अपने को ये करना है। आप प्रश्न के कुछ मेरे को करने का दो कैसे पूछते दक्ष बात समझ में आया ना? अब ये 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 समझ हो गई तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड से बड़े आदमी बन सकेंगे। ब्रह्मांड के बड़े से बड़े आदमी बाहर दिखने जाओ ना तो जैसे डॉक्टर है उद्योगपति है और ये समझ में नहीं आएगा लेकिन चक्रवर्ती पद है आत्मा ने चक्रवर्ती पद है यानी छह खंड को जीत लेने उसको चक्रवर्ती पद बोलते हैं। इससे भी बड़ा पद मिल गया आपको आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा यानी क्या? किसी सामने हाथ नहीं रखना। हाथ नहीं रखना यानी क्या? भीख याचकता वे तो याचकता करनी पड़ती है भीख है। अब आप याचकता करते भीख है तो आप भगवान के जीव है जीव और आपने अपने आप को जान लिया और पर को जान लिया तो ब्रह्मांड का श्रेष्ठ पद मिलेगा आपको। याचकता निकल गई तो आपको ऐसा करना है कि ऐसा करना है? ऐसे करना है। ऐसा ही यानी क्या? देना है देना यानी दान हुआ। हाँ। लेना यानी भिखारी। तो कब होगा? अपने आप को जानो फिर दक्ष भी जान लेंगे फिर दिक्कत कुछ नहीं है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक पर्सन के दो पर्सन दो पर्सन एक पूरा समझ में आया। फिर दो पर्सन कैसे बोले? ये थोड़ी भारी एग्जाम थी। जय सत्यनारायण। थोड़ी भारी एग्जाम। परसेंटेज 100% ही होता है यानी 1 या 100 लेकिन मैंने गलत बोल दिया 2 तो हाइट तो बोला कि 1 से 2 बड़ा होता है। तो समझ में आया कि नहीं? मोना जी बात समझ पड़े थे? आप छोकर हो ऐसी तुम्हारा चिंता करो नहीं। ठंडी हो ना तुम्हारे पास स्वेटर हो तो गर्मी लागे करे। बरसात हो बारिश हो और चाहता है तो भीगे कैसे? ऐसा तो बढ़िया है क्या चिंता करने की? नहीं मुझे चिंता आप है तो मुझे कोई चिंता। वो आपको भारी पड़ा तो मेरे को दे देना। बिल्कुल आप ले लीजिए। ये हमारे काम में आएंगे। बिल्कुल मैं तो यही चाहती हूँ स्वामी जी। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माया ही आप लोगों के लिए। ज्योतिबेन बात समझाई थी? એજ્યુકેશન માં કેટલો પાવરફુલ થશે એક પર્સન 2 પર્સન આપને 2 બોલા તો બરાબર બોલા
तुरंत सुधार दिया गया 100%। लावा बीक नहीं रहने? तन बीक आपके साथ बात किया, डर लगा आपको? नहीं। थोड़ा लगा हुआ? हल्का सा। हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा लगा। क्वेश्चन आ नहीं रहे तो हल्का सा, इसमें तो कहाँ डर लगना चाहिए, कि क्वेश्चन के हिसाब से डर लगता था, क्वेश्चन समझ में नहीं आता था इसके लिए। तो आप तो मुझे क्वेश्चन मतलब आपने पूछा था, मुझे आंसर नहीं आ रहा था, जब मुझे हल्का सा डर लगा था। हाँ, आंसर नहीं आता है, मैं क्वेश्चन करता उसे डर नहीं है। नहीं। ज्योति बहन बात समझ जाए, आंसर वो गलत है ना, उसको गलत करना नहीं है, लेकिन उसको हमारे भी होता है, खोटू बोले जाओ थी जाओ बेहबर ना हिसाब है, बीजा ऊपर आरोप करे छे, बात समझे ने, डर लागे छे। और कितनो मोटो अतिक्रमण देखायो, आना प्रतिक्रमण करवाना छे, वो सबसे बड़ा डर वो बेअबरू का ही डर लगता है। मने जवाब नहीं आई आव तो इसलिए डर लगता है, प्रश्न से नहीं आया, ये सब लोग प्रश्न से डरते हैं। आप सब प्रश्न से डरते हैं, ये जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ तो हाँ। क्या हुआ वो अपने अंदर की जो गलतियां होती है वो, मैं क्वेश्चन करता हूँ तो क्या हुआ, डिटेलिंग में जाता हूँ। हाँ। तो आपको मालूम है कि डिटेल में जाएगा तो खुला पड़ जाएगा। हाँ, कपड़े पहने हुए नग्न हो जाएंगे। हाँ, उस हिसाब से बैठे वो अंदर अहंकार है ना, माने खुला नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, आरोप करेंगे सामने के ऊपर कि आपसे डर लगता है। हाँ, मेरा फेस देखो ऐसा है ही नहीं, बारिश है लेकिन आपके पास रेनकोट है तो क्या डर लगेगा, ठंडी है आपके पास स्वेटर है क्या डर लगेगा, गर्मी है आपके पास एसी या पंखा है क्या डर लगेगा, बस समझ गए, क्यों डर लगता है, सही गलत को सही माने उस हिसाब से। और फिर और पक्ष लेते हैं कि दूसरे के साथ बराबर कर, लेकिन आपके साथ बात करना बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ ज्यादा बात कर रहे हैं कि इसके साथ ज्यादा बात करते हैं, देखो इसको कुछ दिक्कत नहीं है। आपके पास डर ही लगता था पहले, सबको ऐसे। हाँ, जैसे, जैसे। तो देखो मेरी आबरू चली जाती थी ने, वो खुली कर दी, आपको बता दिया, देखो बिल्कुल डर नहीं लगता है। ज्योति बहन बात समझ में आया कि नहीं, चलो कुछ बदलो तो बदल ही दिया जाओ, दक्षिण दक्ष मान फेवर में आएगी, तक सबके हिसाब से मेरा फायदा हो गया। हाँ। सब मेरे से डरते थे लेकिन अब प्रूव हो गया, ये आपको आनंद होता है कि दक्ष आपको आनंद होता है कि नहीं होता है, होता है। दुख होता है, आनंद होता है। फिर ओ ओ ओ बातचीत नहीं करना है, समझना नहीं, ऐसा होता है कि बातचीत करना है समझना, ऐसा है बातचीत करना है समझना है, आनंद होता है। बहुत बढ़िया, जो आप क्या बोलते हैं, जो आनंद नहीं होता ना तो आप बातचीत नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। अब आनंद किसका गुण है मालूम है? नहीं। आनंद आत्मा का गुण है। हाँ। आनंद आत्मा का गुण है। पूना जी बात समझ में आए?
ज्ञान विधि हो गई, जरूर नहीं है। कोई रोना न बंद, देखो ये अंतर टूटे तो अपने तो देखना जानना है। यात्रा में आवे तो भी देखना का, नहीं आने का तो भी देखना का, भी क्या है। मैं वो नहीं हूँ, आने वाली जाने वाली नहीं आने वाली हूँ, मैं उससे अलग हूँ। देखो अभी पुण्य है तो इतना लाभ भी मिला, अभी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती। तो ऐसा होता है, मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मैं आपको दे दूं तो मेरे पास 0 हो जाएगा ना, तो आपका फायदा है तो मेरे को नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो जो देता है उसका कभी खाली होता है? नहीं नहीं होता है, सुना ना? जो नहीं देता है उसका खाली होता है। उसको एक दृष्टांत से समझाओ, क्या बोलते नहीं दरवाजों के ना, क्या बोलते हिंदी में दरवाजे, ये एक दरवाजे से पवन आता है लेकिन पवन जाने की जगह नहीं है तो क्या होगा? पवन का अनुभव होगा? नहीं होगा। यहाँ से पवन आता है और वहां से जाएगा तो पवन का अनुभव होगा। तो आता है जाता है तो कंटिन्यूस रहता है ना, तो देता है उसको नुकसान कभी होता है? नहीं। लेता है उसको नुकसान होता है? तो मेरे को नुकसान होकर फायदा हुआ, फायदा हुआ तो आपको भी फायदा हुआ। ये तो उल्टी गिनती हो गई, मैथमेटिकल में 1,00,000 रुपया दिया तो मैं खाली हो गया क्या? कुदरती रचना ऐसी है, जितना देंगे आता ही रहेगा, खलास ही नहीं होगा। ज्योति बहन बात समझ में आता है? अपने ये व्यवहार लक्ष्मी के लिए भी बताया जाता है, यही व्यवहार, एक खिड़की से अगर हवा आती और दूसरी से जाती तो ही पता लगता, और अगर आप लक्ष्मी को वो कर लेंगे तो लक्ष्मी वो नहीं होती। ये साइंस समझना है, ये अभी ये ज्ञान लेने के बाद भी ये रॉन्ग बिलीफ आपको दिखती नहीं है, कहीं ना कहीं वो छुपाते ये करते वो करते, उस हिसाब से आपको आत्मा के पक्ष में आने ही नहीं देते। दिखने में आत्मा के पक्ष में है, कभी कुल धर्म मरे मिला है, दान पुण्य करते, व्रत नियम करते, लेकिन सही महीने में आत्मा धर्म नहीं होते, देह धर्म होते, अहंकार का धर्म होता है। छोटे बच्चे इतनी बात करें ना वो कंटाल जाता है, कंटालता नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बहुत बड़ी मिलकत है। अपने तो अपने पास जो एस्टेट होती उसको मिल करवा दे, संस्कारी बच्चा है तो कुछ बड़ी मिलकत होती है। अब संस्कारी है उसको क्या बोलेंगे? अपना लड़का बोल के भगवान मेरे घर आया, उसने जो जवाब दिया सही दिया कि नहीं दिया? संस्कारी है। अभी उदय में आपको भगवान नहीं लगेगा क्योंकि आपका बच्चा है तो मैं उसकी मदर हूँ, सही जवाब दिया, मैं इसको पहचानते नहीं, पहली बार मिला हूँ। अब आपके आपको यहाँ भगवान आ गया तो दादा भगवान है ही कि आता जाता ही नहीं है कि है? फिर कहीं ना कहीं भगवान को बाहर ढूंढते, क्या बोलते हैं ज्योति में? ये में फिर बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते इसको भगवान बना दिया। सब खुलासा हो गया कि बाकी रह गया दक्ष? सब आ गया। आपने आपने अपने आप को जान लिया और दक्ष को भी जान लिया, सब खुलासा हो गया। देवा सही आएंगे।
ये सांप लाएंगे तो ये हमारे कृष्ण है। कृष्ण यानी मालूम है ये ड्राइवर है हमारा। ड्राइवर नहीं बोले, वो खराब बोला जाएगा। वो गाड़ी लेके आते है हमारा बैठने पे, तो आपको बुलाना तो पहले उसको बुलाना पड़ेगा। ये सही दर्शन हुआ, ये अपने संस्कार है, ऐसे पैर छूते ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो दरअसल बात निकल गई, सही दर्शन हो गया, सही दर्शन। और जैनों में दर्शन का महत्व बहुत है। दर्शनम देव दिवश्यम, दर्शनम पापराशम, दर्शनम स्वर्ग स्वप, दर्शनम मोक्ष स, सही दर्शन हो गया। सारा नाश्ता मम्मी जी ने बनाया है, पूरा नाश्ता मेरी सासू माँ ने, वो नहीं आ पाए ठंड के कारण, तो बोले थे कि मेरे दर्शन करवा देना वीडियो कॉल पे। क्या नाम है? मम्मी पालती, मम्मी जी का ज्ञान लिया? नहीं ज्ञान ले लिया। जय सच्चिदानंद मालती जी, बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए? मैं स्वस्थ हो जाओ। आप स्वस्थ हो जावे ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।